ग्वालियर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कलेक्ट्रेट में रिटर्निंग ऑफिसर को प्रवीण पाठक ने अपना नामांकन फॉर्म सौंपा। इस दौरान प्रवीण पाठक के साथ राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर, कांग्रेस विधायक सुरेश राजे और पार्टी के वरिष्ठ नेता रश्मि पवार शर्मा मौजूद रही। नामांकन दाखिल करने से पहले प्रवीण पाठक दंदौरा हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद भी लिया। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रवीण पाठक ने कहा कि लोकतंत्र यानी चुनाव के महायज्ञ में जो वर्षों से दशकों से एक परंपरा चली आ रही थी कि लोग गाजे बाजे के साथ बहुत सारी भीड़ के साथ अपना नामांकन भरने आते हैं, मैंने राजनीति में इस लोकतांत्रिक परंपरा को बदलने का प्रयास किया है। ये जो चुनाव ये वास्तव में इस देश में आम जन के बस का नहीं, जिस प्रकार की तानाशाही है, जिस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग है, ये चुनाव किसी आम व्यक्ति के बस का नहीं। जहां तक ग्वालियर की बात है, मैं स्वयं इस बात को जानता हूं और आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूं कि इस चुनाव को ग्वालियर की जनता लड़ रही है, प्रवीण पाठक नहीं लड़ रहा। भारतीय जनता पार्टी के काल में या तो जेल में जाना होता है या बीजेपी की रेल में जाना, और हम लोग तो जेल जाने के लिए तैयार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ग्वालियर लोकसभा के मेरे परिजन पूरा आशीर्वाद मुझे देंगे और प्रत्येक व्यक्ति इस चुनाव को प्रवीण पाठक बन के लड़े। मैदान में है, मुकाबला त्रिकोणीय होगा। मैंने आपको फिर कहा कि मुकाबला त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय नहीं, ये देश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद, ये पहली बार आजादी के बाद देश में अपने अधिकारों को संरक्षित करने की लड़ाई है। ना ये त्रिकोणीय है ना चतुष्कोणीय है, ये लड़ाई स्पष्ट तौर पर इस बात का प्रतीक है और संकेत है कि हमको लोकतंत्र को कैसे बचाना।